हर की सियासत की बिछ गई बिसात, किसकी बनने वाली है सरकार, हर सीट का चुनावी समीकरण देखिए सबसे पहले हमारे साथ सिर्फ लाइव 10 न्यूज पर। हरिशंकर यादव से आरजेडी का जो जितने कार्यकर्ता है, जो सही कार्यकर्ता है, उससे असंतुष्ट चल रहे हैं। हरिशंकर यादव के कार्यक्रम से सभी लोग नाराज हैं, इसलिए हम लोग कल मीटिंग करेंगे और फैसला करेंगे। अगर उसमें सारे लोग का सहमति मिली तो राजकिशोर को हम लोग खड़ा करेंगे और राजकिशोर हम लोग की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी को आगे बढ़ाने के लिए जीत कर विधानसभा में जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों की हरिशंकर यादव को? हरिशंकर यादव फेल हैं, हर चीज़ में फेल हैं। उनका कौन विकास दिखाई दे रहा है वही बताएंगे। जनता तो कह रही है कोई विकास नहीं किया है रघुनाथपुर में। फिर पार्टी ने दोबारा कैसे टिकट दे दिया? अब पार्टी का सवाल देखिए, ऊपर से कोई टिकट दे देता है उसका कोई बात नहीं है। ऊपर से जो काम नहीं करता उसी को टिकट मिलता है। हरिशंकर यादव का कहाँ इतिहास रहा है? 1974 से हम हैं पार्टी में, और 1974 के बीच में कहीं थे क्या हरिशंकर यादव? हम बहुत लड़ाई लड़े हैं। हम हजारीबाग सेंट्रल जेल में गए हैं, 9 महीना जेल में रहे हैं। सदेव सिंह मानी चंद्र राय के साथ रहे हैं। कहाँ थे हरिशंकर यादव? हरिशंकर यादव उत्तर प्रदेश में माल गुरु चराते थे, लड़ाई लड़ते थे। हरिशंकर यादव का टिकट मिल गया। तो क्या लगता है कल की कार्यकर्ता मीटिंग में कार्यकर्ता विरोध करेंगे हरिशंकर यादव का? देखिए, कार्यकर्ता मीटिंग में हम लोग मीटिंग में राय करेंगे, सारा कार्यकर्ता बैठ कर राय करेंगे और सर्वसम्मत से हम लोग प्रस्ताव रखेंगे और प्रस्ताव पारित करके राजकिशोर यादव को हम लोग यहाँ से लड़ाएंगे। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि राजकिशोर यादव जी को चुनाव लड़ाना चाहिए? राजकिशोर जो यादव मेहनती आदमी है, आज 20 वर्ष उससे अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, इससे कार्यक्रम अच्छा रहा है, इस संगठन को आगे बढ़ा रहा है। हर गांव में जाकर देखिए, इकतकता को बढ़ाने का काम किया, गिराने का काम नहीं किया है। एक अध्यक्ष होते हुए जितना ये मेहनत किया है, सहज जिला में कोई अध्यक्ष मेहनत नहीं किया होगा, प्रखंड अध्यक्ष। ये पार्टी के आला कमान से मिले थे टिकट के लिए जी? पार्टी से मिले हुए थे टिकट के लिए? कई बार हम लोग कहे हैं, हरिशंकर यादव को छोड़कर किसी को टिकट दीजिए और आरजेडी के सारा कार्यकर्ता एक एक पैर पर खड़ा होकर मदद करेगा, एक पैर पर खड़ा होकर मदद करेगा, लेकिन हम लोग के बातों को अनसुना कर दिया गया। और शहाबुद्दीन की पत्नी भी लड़ना चाह रही थी यहाँ से, उनको टिकट दिया जा रहा था। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी अगर चुनाव लड़ती तो सारा लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन हरिशंकर यादव के साथ एक साथ नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है, दो खेमे में बढ़ जाएंगे कार्यकर्ता? अब देखिए, खेमा खेमी की बात नहीं है, अपना अपना पसंद है। हम लोग जीवन में आज तक गलत आदमी का पसंद नहीं किया। हरिशंकर यादव ऐसे आदमी को हम पसंद नहीं करते हैं ना, पहले पसंद किया, लेकिन पहले हम चुनाव में बहुत मदद किए, इस बार कुछ नहीं। हम लोग का लड़ाई है उनसे, एकदम डायरेक्ट लड़ाई है। जो आदमी मान सम्मान कार्यकर्ता को नहीं देता है, वो क्या नेता है? उसको नेता कहिएगा? वो कोई लड़ाई लड़ रहे हैं? हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं 1974 से लेकर आज तक। हम कहीं पार्टी में गए हैं, बदले हैं पार्टी? बहुत लोग बदल कर इधर गए उधर गए, हम जाते हैं आज वहीं पर हैं। हम लोग को चुनाव लड़ना कोई शौक नहीं है, ये हम लोग शुरू से समाज की सेवा किए हैं और पार्टी की सेवा किए, पार्टी के लड़ाई लड़े हैं। और हाल में लगभग एक महीना में, और संजय सिंह जो है मार के वो गुड्डू अंसारी को बांह तूर दिया, उसमें हम आंदोलन किए, धरना दिए, उसके साथ हम लोग 6 थाना मिलकर पिछवा दिए हैं। उसमें हरिशंकर यादव विधायक जी का भूमिका है पिछवाने के लिए, कि पिछवा के उसको दबा दो के फिर आवाज़ कोई गरीब के उठा ना पाए। यही हमको चुनाव कोई लड़ना शौक नहीं है। हम लोग यही संकल्प है कि हरिशंकर यादव जो विधायक है उसको चेंज किया जाए पार्टी से, कि कोई भी व्यक्ति पार्टी कार्यकर्ता को मिला जाए, हम लोग साथ में है। यही हम लोग संकल्प तो हरिशंकर यादव को मिल गया, ऐसे में क्या आप विरोध करेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव? रघुनाथ तो विधानसभा के कार्यकर्ता सामान्य जनता के हमारा अपमान हुआ है 5 साल, ये अपमान को हम बैठेंगे नहीं, अपमान के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और कल हम लोग का मीटिंग है, कल मीटिंग में हम फैसला करेंगे हम सब कार्यकर्ता मिलकर कि हम लोग क्या करना है, हरिशंकर यादव को सपोर्ट करना है कि विरोध करना है। सबको सहमति से हम लोग काम करेंगे, कल फैसला कर देंगे क्या करना है हम लोग के। क्या लग रहा है, सबकी सहमति बनती है तो हरिशंकर यादव के खिलाफ आप मैदान में उतर भी सकते हैं? सबको सहमति मिलेगी पूरे जनता को और कार्यकर्ता को, तो हम उतर सकते हैं।
और सबको सहयोगी सहयोग लेकर उतरेंगे हम लोग।